नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक गुरुराज में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं मेथाओल से यानी कि शिवाला से जुड़ी कुछ जानकारी। ये जानकारी हम आपको बताते चलते हैं। ये जानकारी ये है कि आजकल जो देख रहे हैं, दो तीन दिन से लगातार रेट में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो आगे वाले दिनों में या समय में कि वाकई में शिवाला का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके लिए ही जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं बगैर समय नष्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हम आपको जानकारी देंगे ये बिल्कुल आपको लाइव दिखा देते हैं। हम गूगल पे चलते हैं। देखिए, गूगल पे भी आप देख रहे होंगे मेथा ऑयल की कीमतों में क्यों है इतनी हलचल। चलिए हम इसमें आपको दिखाते हैं, जो अपडेट मिली है वही हम अपडेट आपको दिखाएंगे। इसमें ना कोई फेक है, बिल्कुल भी आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो मेथा ऑयल है इसका बढ़ने का रीज़न ये है कि यूपी का जो बाराबंकी है, जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पर 70% मेथा ऑयल 70% वहीं पर उत्पन्न होता है। और आजकल आपने देखा ही है कितनी फसल बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश में मेथा की फसल ज़्यादातर बर्बाद होती है। यानी कि अगर कहा जाए तो मेथा ऑयल की फसल 50% लगभग आप देख पा रहे होंगे मेथा की फसल बर्बाद होने से चढ़े दाम। इसमें आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे 50% फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके इसका भी ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से रेट चढ़ा जाता है। क्योंकि मार्केट में MCX में जो मल्टी कमोडेंट एक्सचेंज है, उस मार्केट में जब भाई कोई चीज़ नहीं जाएगी तो वहाँ तो जब उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी तो वहाँ वैल्यू बढ़ेगी उसकी, वैसे ही 8% तक बढ़ी है कुछ दिनों में। 3 दिनों में इसकी कीमत करीब 8% तक बढ़ी है। इस वजह से इसके आप रेट, और हम आपको अभी लाइव भी दिखाएंगे कि आज क्या इसका रेट है। देखिए, यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा है 1250 से लेकर 1350 रुपये के प्राइस लेवल को छू सकता है मेथा। देखिए, पिछले 3 दिनों में मेथा ऑयल 7.53% की रैली दिखी है। कमोडिटी मार्केट विश्लेषकों का कहना है कि सप्लाई की ओर भारतीय फ्रेग्रेंस मार्केट के रिवाइवल की वजह से इसकी अच्छी मांग रहने वाली है। देखिए, आप पढ़ पा रहे होंगे शायद, इंडस्ट्री में होती है दवाइयों के अलावा यह साबुन, सैनिटाइजर और कफ सिरप बनाने में इस्तेमाल होता है। पान मसाला उद्योग में भी यह काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप ये या तो आप जान ही चुके हो कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्यों कई जगहों इसका उपयोग होता है, इस वजह से इसकी मांग तो चलना ही चलना है। निवेशकों के लिए मेथा ऑयल के फ्यूचर सौदे में निवेश का अच्छा मौका है हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक फ्यूचर सौदे के भाव में 1250 से लेकर 1350 रुपये तक भी जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने 900 रुपये का स्टॉप लॉस की सिफारिश की है जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी। और देखिए, हम साथ में आपको बताते चले कि पिछली साल 11 जून को मेथा ऑयल की क्या प्राइस थी। आप सभी को मेथा ऑयल ने आसमान छू रखा था उस समय, ये आप सभी को पता है। तो यही हमारी आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि अगर आप इसे रोक सकते हैं तो आप बिल निश्चिंत होकर रोक सकते हैं। कुछ समय में ये बढ़ सकता है, 1250 से लेकर 1350 रुपये तक हो सकता है। ये हम आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं ऊपर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।